मेडिकल कॉलेजों में फर्जी निवास प्रमाण पत्र का मामला काफी दिनों से गरमाया हुआ था। अब प्रवेश को लेकर विभाग सख्त नजर आएगा। छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग और प्रदेश के अभिभावक इस मामले में कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में MBBS और अन्य विभागों में प्रवेश की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ रणनीति बनाई गई है। अब ऐसे में बहुत सारे मामले सामने आए हैं जिसमें फर्जी निवास प्रमाण पत्र का मामला सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। फॉर्म में जो चॉइस स्टेट भरा गया है वही नीट चयनित परीक्षार्थी का चॉइस स्टेट होगा, और इसमें यदि किसी प्रकार के दूसरे स्टेट के छात्र आ गए हैं प्रावधानों के अंतर्गत तो फिर से मेरिट लिस्ट बनाई जाए और फिर से काउंसलिंग की व्यवस्था करेंगे। आखिरी वाक्य में अंतरिम आदेश में लिखा हुआ है कि दे शुड ड्रॉ दी मेरिट लिस्ट अगेन, तो बहुत स्पष्ट आदेश है, लेकिन फिर भी संचालक चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय से हमें कहा गया है कि वो कुछ बिंदुओं पर शासकीय वकील का स्पष्टीकरण चाहते हैं, माननीय महाधिवक्ता कार्यालय से। वो स्पष्टीकरण मिल जाने के पश्चात जो भी कार्रवाई होगी उस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी सदस्यों और पालकों की नज़र रहेगी। हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों का हक पिछले कुछ वर्षों से मारा जा रहा था। कुछ षड्यंत्र होते हैं जिससे मेरिट के छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं सभी चिकित्सा कोर्स में। हमारी नज़र रहेगी और इसमें स्ट्रिक्ट विजिलेंस के अंतर्गत हम लोग चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के सभी मूल निवासियों का हक सुरक्षित रहे। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया। लेकिन अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक फैसले में राज्य सरकार को नियमों को कठोर कर एक कमेटी बनाने का आदेश दिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रवेश की प्रक्रियाओं के लिए नियम बदले जाएंगे। मेडिकल में एडमिशन से संबंधित समस्या कई वर्षों से आती रही है और इन समस्याओं पे चूँकि नियम बनाए गए हैं पहले के, अभी जो वर्तमान 2018 के नियम चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नियमों का संपूर्ण परीक्षण हो जाए और उसके लिए अभी समय है हमारे पास में अगले सत्र के लिए, तो पूर्ण विचार करके लॉ डिपार्टमेंट से भी, अपने विभाग से भी और जो ऐसे अनुभवी लोग हैं उनकी सबकी उसमें राय प्राप्त करके उन चीज़ों पे नियम बना लिए जाएंगे तो भविष्य में परेशानी कम हो जाएगी।